Send you voice notes, baby, but you never answer. Cause I'm busy with the others. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ये जो आप देख रहे हो सब्सक्राइब बटन रेड कलर की, इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है इसे भी दबाइएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दो तीन दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और उसका कारण यही है कि इंसान अपने आप को कैसे मार सकते हैं। कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, बस वही जानते हैं। लेकिन मेरी हिसाब से सुसाइड करना लाइफ का सलूशन नहीं है। न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गई और बहुत बुरा लगा यार सुन के, बहुत बुरा लगा। लेकिन मनी मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि आप इतना बड़ा हस्ती हो, इतना पॉपुलर सेलिब्रिटी हो, आपके कितना चाहने वाले हैं और आपका कितना फैंस फॉलोइंग है। आप क्या सीख देके गए हो कि यही डिप्रेशन होने से सुसाइड करना चाहिए? अगर आपका डिप्रेशन हो रहा है, अगर आप कोई बात छुपा रहे हो, तो मुझे लगता है आप जिस पर्सन को बिलीव करते हो, आप जिसको प्यार करते हो, उस पर्सन से आपका मन का बात बोल के मन हल्का कर सकते हो या प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। बट ये कदम उठाना सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जिसको छोड़ जाते हैं उसका क्या हालत होते हैं, जिस पर बीतते हैं उसी को ही पता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप अपने आप को मारने के लिए सोच रहे हो, तो ये एक बात ध्यान रखना, आपके चाहने वाले या आपके मम्मी पापा का क्या हालत होगा आपका ये डिसीशन से। चलो इस टॉपिक में बात करना छोड़ ही देते, नहीं तो और भी मेरा मन उदास हो जाएगी। मैं अगर ऐसा टाइप का न्यूज़ सुनूँ ना, बहुत ज़्यादा मन उदास हो जाता है और सारा दिन मैं वही सोचती रहती हूँ। मैं पहले ऐसे नहीं थी, कोई भी बात लेके मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन आजकल ना क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ, नहीं पता क्या। वैसे भी कोरोना के चलते कितना लोगों का डेथ हो रहा है, कितने लोग जॉबलेस हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना 2020 जल्दी से निकल जाए और नए साल के साथ एक खुशियाँ लेके आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है, आप लोग भी बोर हो चुके हो, है ना। मैं भी चाय नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और आप सोच रहे हो इतना सन्नाटा क्यों है घर पे, पिंक और हबी सो रहे हैं। पिंक का बात तो छोड़ ही देते हैं, पिंक ऐसा ही सोते हैं, मतलब लेट करके ही उठते हैं। और हबी का बात बोलूँ तो हबी नाइट करके आए हैं तो इसीलिए सो रहे हैं अभी भी। तो बस नाश्ता बना लेती हूँ, नाश्ता करके आप लोगों के साथ मिलती हूँ एक स्माइल के साथ। हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ स्माइल फेस के साथ। तो आज मैं ना, आज नहीं कल मैंने बनाई थी एक चीज, तो आपको दिखाती हूँ क्या है। तो कल मैंने बनाई थी मिष्टी दोई, एक मिनट, ये रहा मिष्टी दोई, बहुत अच्छा से हुआ है मिष्टी दोई। और फ्रीज में रख दिया था, नॉर्मल प्रोसेस से दही बनाया था तो टाइम तो लगेगा ही, तो 7-8 घंटा लग गया था दही बनाने में। तो आपको भी अगर दही पसंद है तो देख लीजिए रेसिपी, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ।
लो मिष्टी दही। मुझे के पेट भी अच्छा नहीं है मुझे। हाँ दे दो, ऐसा बना बोलो। रेसिपी देखा ना आप लोगों ने, अगर देखा हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अभी हूँ किचन पे, लंच रेडी करने आई हूँ और अभी कुछ सब्जियाँ वगैरह काट दे रहे हैं। हबी का ऑफिस नहीं होने से वो ही सब्जी वगैरह कटिंग कर देते हैं, थोड़ा हेल्प भी हो जाते हैं। आज मैं बनाऊंगी अरबी का सब्जी, आप लोग भी शायद इसे पहचानते हो, है ना। तो इसका सब्जी बनाऊंगी प्रॉन देके, मतलब नॉन वेज आइटम बनाऊंगी। अगर किसी को नॉन वेज पसंद नहीं है तो इसको वेज भी बना सकते हो, मतलब अभी जो मैं रेसिपी दिखाऊंगी उसको बस आप वेज बना लो। चलिए रेसिपी को दिखाते हैं। कुकिंग वगैरह हो चुका है तो अब मैं बनाऊंगी दही का शरबत, मिष्टी दही का शरबत। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए देख लीजिए। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है और सारा स्वेटिंग स्वेटिंग जैसा हो रहा है। ये हो गया। वो पानी। आइस। तो ये रहा मिष्टी दही, मतलब मिष्टी दोई। करूंगी ढक्कन बंद। ये बनके रेडी है।
का शरबत। आ तन मन शांति हो गया, अच्छा है ना? एक बार ट्राई करके देखना कभी। ओके मैं ग्लास दे दिच्छी। और ये रहा बेबी का ग्लास, टिंग 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 हो गया। बेबी टिंग टिंग वाला ग्लास में पिएगा। ले लो खाओ खाओ। काम तो सब हो चुका है, अब जाऊंगी बस शावर लेने, तो आप लोगों के साथ बाद में बात करते हैं। बाय। शावर लेके आ गई, अभी बस खाना खाना है। शावर के बाद थोड़ा सा तो बॉडी लोशन चाहिए मुझे, मतलब रुखा रुखा सा लगता है ना, तो इसीलिए बस लगाते हैं। ये गुड वाइब्स की बॉडी लोशन है जो बिल्कुल पैराबिन फ्री है, तो बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसीलिए बस सिंपल सा ही लंच बनाया मैंने, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या मैंने लंच में बनाया। तो लंच में बनाया दाल, मसूर का दाल है। ये रेसिपी आप लोगों ने देखा ना आज, आरपी दे के प्रॉन, और ये एक आम का चटनी जैसा है, मतलब पतला सा होता है, जिसको बंगाली में जॉलटॉक बोलते हैं। गर्मी का सीजन के लिए बहुत अच्छा है ये। और बनाया कोलमी साग, और ये है भिंडी फ्राई, मतलब भिंडी भाजा। लंच करते करते इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।